छत्तीसगढ़ में ब्रेस्ट कैंसर से हो रही मौतें चिंताजनक है। यहां पिछले 10 सालों में ब्रेस्ट कैंसर से हो रही मौत के आंकड़े 25 से 27 फीसदी तक बढ़ गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के कैंसर पंजीयन कार्यक्रम के तहत ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं और आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, असम, गोवा, उत्तरांचल जैसे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा मौतें हो रही हैं। साल 2023 की ही बात की जाए तो 2023 में राज्य में ब्रेस्ट कैंसर से 1717 मौतें दर्ज की गई, जो साल 2014 की तुलना में 359 से ज्यादा है। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस सांसद शफी परिमल के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रताप राव जाधव की तरफ से ICMR के हवाले से आंकड़े पेश किए गए। इन आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में साल 2014 में ब्रेस्ट कैंसर से 1358 मौतें दर्ज की गई थी, जो साल 2023 में बढ़कर 1717 हो गई और लोकसभा में साल 2024 तक के आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हर साल ब्रेस्ट कैंसर से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लोकसभा में पेश जो जवाब किया गया उसके आधार पर अगले एक साल में औसतन मौत के आंकड़े निकाले जाए तो साल 2023 में छत्तीसगढ़ में हर दिन 4 से ज्यादा महिलाओं की मौत ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई है, जबकि साल 2014 में हर दिन औसतन देखा जाए तो 3 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, पैनल पूरा एक जुड़ेगा और इस वक्त हमारे साथ मीता वाधवा जी जुड़ गई हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीता जी आपका इस चर्चा में। मीता जी देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बार फिर से बता दें कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अब जो है मामले भी बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर मौत के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो मौत के आंकड़े यहाँ पर बढ़े हैं, जो कि चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरी है कि जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, महिलाओं को यहाँ पर जागरूक किया जाए, क्योंकि कई दफा ये भी होता है कि महिलाएं जागरूक नहीं होती हैं, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर जो है बढ़ता चला जाता है, महिलाओं को पता ही नहीं चलता, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी होती है। और यही वजह है कि साल दर साल जो है हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये जो मौत के आंकड़े हैं जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर पर ये जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं ये भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और तो देखिए, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुदेशना रूहान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि संस्थापक है निरामय कैंसर फाउंडेशन की। सुदेशना जी के पास चलते हैं। मैम, छत्तीसगढ़ को लेकर एक जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, जाहिर सी बात है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौतें होना एक चिंता का विषय है। क्या इसके पीछे की वजह ये माना जाए कि जागरूकता की कमी है, क्योंकि कई दफा ये भी होता है कि महिलाएं जागरूक नहीं होती और तब तक देर हो चुकी होती है? देखिए, जागरूकता की कमी जो है वो तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे हम सभी जूझ रहे हैं, और न केवल महिलाओं के पक्ष में बल्कि पूरे सामाजिक रूप में भी हम देख रहे हैं कि जागरूकता की कमी और चॉइस का अभाव। एक मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि एक तो महिला जागरूक नहीं है, और अगर वो है भी तो चूंकि वो स्वयं इतनी सक्षम नहीं है कि अकेले अस्पताल जाए और क्लिनिकल जो टेक्निकलिटीज है उसको वो समझ पाए, तो दूसरों पर वो निर्भर है और वहां पर भी थोड़ी उदासीनता होती है, उनके अपने रीजंस होते हैं। तो जो चॉइस की कमी है और डेफिनेटली जागरूकता की कमी, दोनों जो है अनफॉर्चुनेटली दे मेक ए लीथल कॉम्बिनेशन। तो चलिए, सुदेशना जी हमारे साथ बनी हुई है, दोबारा आपका रुख करेंगे। मीता जी हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से उनका भी रुख कर लेते हैं। मीता जी, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में जब आप पहुंचती होंगी महिलाओं के बीच, आप भी इस तरह के मामले सामने देखती होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम खास तौर पर बात करें, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं इसके पीछे की वजह आप से अगर मैं समझूं तो क्या आप बताएंगे इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से इसका जवाब आप पहले ही दे चुके हैं। जागरूकता एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीज़न है,
और जागरूकता सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो भी जो है डॉक्टर के पास जाने से बहुत हिचकिचाती है। एक उस तबके में क्या होता है कि अकेली महिला नहीं जाती है डॉक्टर के पास, या तो कोई उसके साथ जाए, या तो ज़्यादातर उसकी मदर इन लॉ साथ में होती है, या पति साथ में होता है, या कोई होता है घर का। तो होता ये है कि प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी में ये रहता है कि चलिए वो अपने आप फैमिली का एक प्रेशर रहता चले जाते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो इनिशियल स्टेज है उसके बारे में एक तो जागरूकता नहीं है। जागरूकता में से जब मैं बोलूँगी तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनको ये पता ही नहीं है कि कैंसर को डिटेक्ट करने के जो घर में इनिशियल स्टेज पे जो प्रोसेस होता है वो उनको पता ही नहीं है। पता चल भी जाए तो हॉस्पिटल जाना एक सेकेंड चैलेंज है। कुछ समय पहले हमने एक डिस्कशन रखा था, एनडीटीवी ने ही रखा था, उसमें भी ज़्यादातर मॉर्टेलिटी रेट जो होती थी वो इसीलिए कि महिला हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती है। तो कैंसर से इलाज किए बिना ही महिलाएं अगर मर रही हैं तो पहला जागरूक और सेकेंड हॉस्पिटल या इलाज ना कराना, दोनों ही चीज़ बराबरी पे चल रहा है। तो बिल्कुल सुदेशना जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुदेशना जी, देखिए जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जागरूकता, लेकिन हमने ये भी तो देखा है कि जागरूकता कार्यक्रम भी यहाँ पर चलाए जाते हैं, तो शायद क्या महिलाएं ही आगे नहीं आ रही हैं? क्योंकि कई दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि महिलाएं थोड़ी सी शर्मा जाती हैं कि अगर ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो घबरा भी जाती हैं। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि देखिए जागरूकता का अभाव तो ये है, हम उसके लिए स्क्रीनिंग कैंप्स वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि एक तो इसके साथ स्टिग्मा इतना बड़ा जुड़ा हुआ है कि कैंसर है तो नंबर वन वो बहुत खर्चीला होगा, नंबर टू उसमें कॉस्मेटिक चेंज होगा, मतलब दिखने में बाल वगैरह सब जो है वो झड़ जाएंगे, तीसरी चीज एक सोशल आइसोलेशन या एक फैमिली का भी आइसोलेशन होता है, और खासकर जहाँ पर उन वर्गों में जहाँ पर शिक्षा की कमी है, तो ये सारी चीजें कहीं एक कॉम्बिनेशन बनाती है जो उन्हें रोकती है। लेकिन निरामय कैंसर फाउंडेशन के थ्रू जब हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो एक और चीज हम देख रहे हैं कि केवल स्क्रीनिंग करके छोड़ देना जो है वो महिलाओं के लिए कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कैंप भी करें और उनको बताएं कि ठीक है, स्क्रीनिंग के तहत हमें शक है कि शायद आपको कैंसर के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, आप अस्पताल आइए, सरकारी संस्थान में आइए और वहां पर हम आपका इलाज कराएंगे, लेकिन तब भी वो बहुत हिचकती हैं, इसलिए क्योंकि असली जो उनका संघर्ष है वो स्क्रीनिंग से लेकर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट तक जो है वहां पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बार बार जाना आना होगा, बहुत सारे खर्च होंगे जो शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आयुष्मान कार्ड होने के अलावा भी, उसके अलावा ये है कि पता नहीं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे संघर्ष हैं जिनके तहत जो है ये कई बार जानते हुए भी कि उन्हें कैंसर का पहला स्टेज है या कैंसर की पूरी संभावना है, दे रिफ्रेन फ्रॉम हैविंग द ट्रीटमेंट। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे सुदेशना जी। डॉक्टर सीमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। देखिए ब्रेस्ट कैंसर के जो मामले बढ़ रहे हैं, जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर हम लगातार चर्चा करें। सीमा जी आपसे मेरा ये सवाल होगा, क्योंकि देखिए ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, देश में भी हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से इस तरह के मामले अब और भी ज्यादा सामने निकल कर आने लगे हैं, तो इसके पीछे की वजह को क्या कुछ समझा जाए, जागरूकता की कमी समझा जाए, या फिर कई दफा हम ये भी देखते हैं जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हट जाती हैं। सुदेशना जी भी जैसा कह रही थी कि खर्च को लेकर भी महिलाएं सोचने लगती हैं कि इसमें खर्च बहुत ज्यादा होगा और अस्पताल नहीं पहुंचती और तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं ना, कई सारे कारण हैं इसके। तो पहले अगर हम ये कारण डिस्कस करें कि ये ज्यादा क्यों हो रहा है, उसका अलग आंसर है। और दूसरा कारण है कि लेट स्टेज में क्यों डिटेक्ट हो रहा है, जिसमें हम बात करें कि खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं तो उसके अलग रीजंस हैं। तो अगर हम ये कहें कि नहीं लेट स्टेज में क्यों डिटेक्ट हो रहे हैं, तो उसका आंसर ये है कि जो अब लोगों को फील होता है कि हमें गांठ हो गई है, क्योंकि ब्रेस्ट ना बहुत सुपरफिशियल ऑर्गन है। आप कपड़े पहनते समय, नहाते समय अगर आपका खुद का हाथ टच हो जाए तो आपको कई बार फील हो जाता है कि यहाँ पे ये गांठ है, उसको इग्नोर ना करें। अब लोग क्या कहते हैं, और उसको इग्नोर ना करें, कई लोग क्या करते हैं कि मैमोग्राम कराते हैं रूटीनली। अब वो क्या करते हैं, हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं कि हम ये रिपोर्ट है, इसके बाद क्या करना चाहिए।
मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज आगे पेशेंट को दिखाइए और उसकी फिल्म्स को दिखाइए। अगर मैमोग्राफ रिपोर्टिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ और अगर BI-RADS 2 BI-RADS 4 इसमें इंटरचेंज हो गया तो डायग्नोसिस इंटायरली चेंज हो जाती है। इसलिए रिपोर्ट्स की ज्यादा क्लिनिशियन और एज अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मैं इस बात को हमेशा स्ट्रेस देती हूँ इस बात पे कि फिल्म्स देखिए, पेशेंट को एग्जामिन करिए, फिर अपना ओपिनियन दीजिए। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर 60 इयर्स के बाद होता है, अभी हम फीमेल्स को देखते हैं 18 इयर्स में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, 28 इयर्स की एज में हो गया, 35 इयर्स की एज में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, 62 इयर्स की एज में ब्रेस्ट कैंसर हो गया। और जब भी ब्रेस्ट कैंसर को डील करें हमेशा यूट्रस और ओवरी जरूर स्क्रीन करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ब्रेस्ट कैंसर को डील कर रहे हैं, आप एक ऐसे ऑर्गन को डील कर रहे हैं जो एटलीस्ट एक्चुअल में तीन ऑर्गन इंटरलिंक्ड हैं, ओवरी, यूट्रस और ब्रेस्ट। मेन कॉज कई बार यूट्रस में होता है 5-10% केसेस में, और लोग ब्रेस्ट की प्रॉब्लम को बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज की तरह डील करते रह जाते हैं। और ऐसे पेशेंट से जब कभी आप हिस्ट्री लो तो पता चलता है पहले उन्हें ये गांठ थी, उसके लिए उन्हें दवा दी गई, 2-3 महीने ठीक रहा, फिर अब ये गांठ है, अब ये ठीक नहीं हो रही। और जब आप FNAC या बायोप्सी करो देन इट कम्स आउट एज अ ब्रेस्ट कैंसर। तो लेट स्टेज यहाँ पे हुई। जो गाँव की लेडीज है उनमें आप ये मान सकते हैं कि उनको गांठ फील हो रही हो, लेकिन वो अपने हस्बैंड से, अपने घर के मुखिया से शेयर ना करती हो कि भाई मुझे ये ब्रेस्ट में दिक्कत है। सीमा जी, छोटा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा था, जैसा कि हम नॉट को लेकर जिक्र कर रहे थे, गांठ हो जाती है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि अगर गांठ हमें हो जाती है तो हमें लगता है कि शायद ये ऐसे कुछ हो गया है, थोड़े दिन में शायद ये ठीक हो जाएगा। तो आखिर हम कब सतर्क हों कि नहीं, अब शायद देर हो सकती है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लक्षण को हम किस तरीके से पहचाने? पहले तो जो भी गांठ है नॉर्मली फीमेल्स या क्या होती है, अब इवन मेल्स में भी, जिस भी लेडी डॉक्टर ने अगर उनके बच्चे की डिलीवरी कराई होती है, उनकी वाइफ की डिलीवरी कराई होती है, पहले वो उसके पास ओपिनियन के लिए जाती हैं कि ब्रेस्ट में ये दिक्कत हुई है एंड शी इज अ लेडी डॉक्टर, तो आई मस्ट शो टू हर कि मैं उसको दिखा लूं तो झिझक जो है वो नहीं होगी। तो मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि ये पूरी तरीके से गलत है, बट लेकिन अगर ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है तो उसको अनदेखा ना करें, प्रॉपर कैंसर सर्जन से ही मिले। उससे ये होगा कि जो कैंसर की प्रैक्टिस कर रहा है, लोगों में क्या मिथ है ना, कैंसर सर्जन से मिलेंगे तो वो गांठ को कैंसर बता देगा, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर सर्जन गांठ को ये भी बताएगा कि कैंसर है और ये भी बताने में सक्षम है कि वो कैंसर नहीं है, है ना। तो इस चीज से, इस मिथ को पहले खत्म करें कि कैंसर सर्जन के पास जाएंगे तो वो कैंसर डायग्नोस कर देगा। डायग्नोसिस होगी तभी वो डायग्नोस करेगा। कोई भी कैंसर सर्जन या कैंसर का प्रैक्टिशनर, फॉर दैट मैटर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कोई भी अपना नाम नहीं खराब करना चाहता कि मैंने मिस डायग्नोसिस किया है या रॉन्ग डायग्नोसिस बनाई है। जब हमारा पेशेंट क्योर होता है, लॉन्ग सर्वाइवल होता है उसका, तो हम भी बहुत हैप्पी होते हैं कि चलो वो पेशेंट 20 साल से हमारे पास फॉलोअप के लिए आ रहा है। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। मीता जी का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। मीता जी, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता है तो घूम फिर के मेरा सवाल बार बार जागरूकता पर ही आ जाता है, तो खामियों की अगर बात की जाए तो कमियां कहाँ पर नजर आती है, कहाँ पर इसे दुरुस्त करने की जरूरत आपको महसूस होती है एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर? मीता जी, जागरूकता तो एक बहुत अहम पहलू है, इसको तो करना ही करना है। प्लस क्या होता है कि महिलाएं नॉर्मली क्या करती है, अपने आप को पीछे रखती है और जो भी बीमारी होती है उसे छुपाने की कोशिश करती है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उनको ये लगता है कि कैंसर हो गया, अब हम मर जाएंगे या फिर खर्चा बहुत हो जाएगा, गांठ ही तो है, छोड़ देते हैं। ज़्यादातर जब मैं, क्योंकि मैं हेल्थ पे भी काम करती हूँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करती हूँ, हम लोग जब हेल्थ चेकअप कैंप कराते हैं तो हम लोग हमेशा, जो हमारे साथ डॉक्टर होती हैं वो हमेशा कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे ज़रूर बात करती हैं। तो वो जब फिजिकली ही उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हैं तो ही वहाँ महिलाएं इतनी शर्माती हैं। तो ये जो शर्म है उनके अंदर की, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। उनको ये समझाना, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उनको ये समझाएं कि आपको अपने आप को आगे रखना है, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि खर्चा बहुत हो जाएगा। खर्चा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पहला जागरूकता है, जागरूकता स्टिल इज़ अ चैलेंज, मैं ये बोलूँगी बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल जागरूकता नहीं है। मुझे पता है बहुत NGOs काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी नहीं है। हम तो गांव की और रूरल एरियाज की बात करें, शहर में भी उतनी जागरूकता नहीं है। सेकेंड कि महिलाओं को हमेशा ये रहता है कि हम बताएंगे तो कुछ हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक काफ़ी सीनियर लेडी हैं,
और बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही जानी मानी, उनकी अभी लास्ट वीक की डेथ हुई है, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। वो हमेशा इसीलिए छुपाती रही कि मैं बताऊंगी बिल्कुल, तो मेरे यहाँ पे बच्चे छुपाने बाहर नहीं की जा जरूरत पाएंगे, नहीं मैं है बल्कि बताऊंगी महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत। जी। दोबारा आपके पास लौटे एक बार फिर से सीमा जी का रुख कर लेते। सीमा जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके के लक्षण अगर हमें महसूस होते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस तरीके से कब समय पर डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। बचने की अगर बात की जाए तो किस तरीके से बचा जा सकता है इनिशियली अगर ये डिटेक्ट होता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। प्रोग्राम सीमा जी बचने से मतलब स्क्रीनिंग प्रोग्राम हेल्दी लाइफ स्टाइल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डेली 10,000 स्टेप्स वॉक करिए। अब लोग हमसे क्या बोलते हैं कि मैं जो घर में काम करती हूँ ना उसी में मेरी एक्सरसाइज और कसरत हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, है ना। उनको अपने लिए रूटीनली डेली आधा घंटा 45 मिनट निकालना ही चाहिए फॉर फिजिकल एक्टिविटी। जैसे इस समय हम देख रहे हैं फीमेल्स में भी स्मोकिंग बहुत बढ़ रही है, अल्कोहल इंटेक बहुत बढ़ रहा है, इन सब चीजों से एब्सटेन करें। और जब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अपने आप को स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एनरोल कराएं, एटलीस्ट जो पढ़ी लिखी लेडीज हैं उन सब में तो एटलीस्ट एडवांस स्टेज में बिल्कुल नहीं डायग्नोस होना चाहिए। इतना सोशल मीडिया के लिए एक्सेस है, आप रोज सुन रहे हो, रोज उसको गूगल पे सर्च कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको एक डे फिक्स कर लेना चाहिए। जैसे जस्ट अ डे बिफोर योर बर्थडे, मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ अ डे बिफोर योर बर्थडे। हम क्या करते हैं अपनी ओपीडी में, पेशेंट जैसे हमने मदर इन लॉ का ट्रीटमेंट किया तो हम उनकी डॉटर को बोलते हैं कि नाउ योर एज इज ऑल्सो अबव 40 ईयर्स, तो आप अपने आप को स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एनरोल करा लीजिए। तो वो कहती है आप हमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखा दो, हम घर पे कर लेंगे। ये नहीं करना चाहिए, जो गांठ मेरे लिए सस्पिशियस है वो गांठ उसके लिए नॉर्मल हो सकती है। हो सकता है कि कोई भी गांठ ना हो, ब्रेस्ट में निपल डिस्चार्ज आ रहा हो और वो उसको इग्नोर करे, वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ सीमा नहीं, जी एक सवाल ये मेरा ये भी सकता था वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ, चूंकि हम कई दफा देखते हैं कुछ गंभीर बीमारी जिनके लिए वैक्सीनेशन होता है, कैंसर की दवाओं से हम कीमतों की बात की जाए तो बेहतर तरीके से वाकिफ है कि कितनी महंगी दवाएं होती। वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसके लिए वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, किस तरीके से इसके लिए आगे कदम बढ़ाया जा सकता है? वैक्सीन है ये सब अभी अंडर ट्रायल है और इन रिसर्च है, अभी ऐसी FDA अप्रूव कोई वैक्सीन आई नहीं है जो ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दे सके, जबकि सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन काफी लंबे समय से है और काफी जो लोग जागरूक हैं उसको लगाते भी हैं, यूज भी करते हैं। इवन कई सारी लेडी डॉक्टर्स भी अपनी फीमेल डॉटर्स को लगवाती हैं रूटीनली जो इसके बारे में जानती हैं, बट कॉमन पब्लिक में अभी भी इसके लिए मिथ है। कई लोग ये कहते हैं अगर वैक्सीन लगा देंगे ऐसा ना हो आगे इनफर्टाइल हो जाए, तो इन सब चीजों में ना प्रॉपर कंसेंट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की अभी भी ले सकती है ताकि ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सके। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ऐसा कोई भी अभी USFDA अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं आई है। सर्वाइकल कैंसर के से बचने के लिए जरूर वैक्सीन है, वो काफी लंबे समय से एटलीस्ट 2 डिकेड्स हो गए उसको आए हुए। फिर भी सीमा जी मैं ये ज़रूर चाहूँगी क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में आपने भी सुना होगा सेलिब्रिटी हिना खान को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, लाइफस्टाइल का जिक्र करना चाहूँ तो सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल हम देखते हैं, हम बातें भी करते हैं कि अरे इनकी लाइफस्टाइल तो बड़ी अच्छी है, इन्हें इस तरह की गंभीर बीमारी कैसे हो सकती है। हिना खान को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसके बाद इस तरह की चर्चा भी हुई, तो लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो क्या खामियाँ होती है, किस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से बच सकें। अब जैसे फूड है ना, लोग कहते हैं उसमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड लिमिटेड आप खाइए। ऑयल बार बार रीयूज नहीं करना चाहिए कि आज आपने उसी में कोई फूड फ्राई किया है, अगले मील में आप उसमें फिर फूड फ्राई कर रहे हैं, विच इज वेरी हार्मफुल। ट्राई टू मिनिमाइज रिफाइंड ऑयल यूज। रिफाइंड ऑयल जब बनता है तो उसमें एक डाइऑक्सिन केमिकल बनता है विच इज पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट विच इटसेल्फ इज अ कार्सिनोजन। तो रिफाइंड ऑयल को एकदम अपने किचन से हटा दीजिए। इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोग बाहर बहुत ज्यादा फूड खाते हैं उनमें लोग कहते हैं बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, उसका रीजन ही यही है क्योंकि मेनी ऑफ द फूड इंडस्ट्रीज रेस्टोरेंट्स में रिफाइंड ऑयल ही ज्यादा यूज होता है। आप मस्टर्ड ऑयल यूज करिए, तिल का तेल या रीजनल जैसे मूंगफली का तेल महाराष्ट्र साउथ इंडिया में यूज होता है वो यूज करिए, एडिबल ऑयल्स यूज करिए बट विच शुड नॉट बी वेरी रिफाइंड ऑयल। सीमा जी एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो किस एज ग्रुप की महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा खतरा होता है, और अगर कोई एक एज है जिसके बाद खतरा बढ़ सकता है तो ऐसे में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
इसके लिए जैसे अभी ट्रायल्स आप स्टडीज देखेंगे ना, तो स्टडीज कहती हैं इनफर्टिलिटी IVF का जब ट्रीटमेंट होता है तो उससे ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क बढ़ते नहीं हैं। जबकि मैं, मेरे पास खुद का अपना डेटा है कि पिछले 1 साल में हम लोगों ने ऐसे पेशेंट्स देखे, करीब 14 से 15 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी आप पास हिस्ट्री लें तो आपको पता चलेगा उन सब में रिपीटेड IVF फेलियर्स हुए थे और उन सब ने हार्मोनल इंजेक्शंस लिए थे, और आज 7 से 8 साल बाद दे आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर जैसे यूट्रस कैंसर। तो ऐसे पेशेंट्स को, मैं, ऐसा नहीं है कि वो कंसीव ना करें या IVF के ट्रीटमेंट के लिए ना जाएं, बिल्कुल जाएं, क्योंकि वो उस एज की नीड है, उनको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही पेशेंट्स हैं जिसको गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन को बताना चाहिए कि आप अपने आप को स्क्रीनिंग प्रोग्राम में इनरोल करा लीजिए, जिससे जो चीज आपको स्टेज 3 में पता चलनी है वो स्टेज 0 में डिटेक्ट हो जाए, स्टेज 1 में डिटेक्ट हो जाए, जिससे आपका ब्रेस्ट भी बच जाएगा, सर्जरी बहुत छोटी नीडेड होगी, खर्चे बहुत बच जाएंगे, यू मे नॉट रिक्वायर एनी रेडिएशन थेरेपी एनी कीमोथेरेपी। चलिए, बड़ी अच्छी चीज बताई आपने सीमा जी की, क्या इसके लक्षण होते हैं, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस तरीके से प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल हमें रखनी चाहिए। दोबारा आपके पास लौटूंगी, सुदेशना जी का रुख कर लेते हैं। सुदेशना जी, अवेयरनेस की बात की जाए तो किस तरीके से आप लोगों के बीच पहुंचते हैं, किस तरीके से अवेयर करते हैं, और साथ ही साथ सरकार की बात की जाए तो उनसे किस तरह की मदद आप लोगों को मिलती है? देखिए, सरकार से तो अभी तक ऐसी कोई हेल्प हमें मिली नहीं है, लेकिन एज एन एनजीओ जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो ये होता है कि हम किस तरीके से उन्हें काउंसिल करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हेजिटेशन हमने देखा है कि जैसे ही कोई एक महिला आ रही है और उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक शिविर लग रहा है, शिविर किस चीज का है, वो है स्वास्थ्य शिविर, ठीक है, वो आती है और अपने साथ 2-4 लोगों को भी लाती है, लेकिन जैसे ही उसे शिविर के अंदर आते हैं ये पता चलता है कि दिस इज अ कैंसर स्क्रीनिंग कैंप, ठीक, मतलब वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, वो सर्विकल कैंसर हो सकता है, और कई महिलाएं बिल्कुल सिम्टोमेटिक होती है, मतलब उनमें सारे लक्षण या वो उस एज ग्रुप से है या उनमें सारे वो लक्षण मौजूद हैं जो कैंसर की तरफ इंडिकेट करते हैं। बावजूद इसके, मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, महिलाएं जो है वो बिल्कुल मना करती है, खासकर हमने ये जो रिजिडिटी है 45 या 40 के ऊपर की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल मना करती हैं कि चाहे जो हो जाए मैं ये जांच नहीं कराऊंगी, और इनफैक्ट उनके साथ फिर क्या होता है कि जो 3-4 महिलाएं और होती हैं उनका भी मनोबल टूटता है और उनको लगता है कि नहीं नहीं करवाना चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर है तो फिर नहीं करवाने से चल जाएगा या हमारे आसपास कोई डॉक्टर है हम उनको दिखा देंगे। अभी जैसे डॉक्टर सीमा ने कहा एंड शी मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जो स्पेशलिस्ट है, जो विशेषज्ञ है, आपको उन्हीं को दिखाना चाहिए, लेकिन चूंकि भ्रांतियां इनमें से बहुत ज्यादा है और जागरूकता की भी कमी है तो उनको लगता है कि अगर छोटी सी गांठ ही है तो आसपास का जो मेरा एक डॉक्टर है हो सकता है वो क्वैक हो, मैं उसी को दिखवा के ठीक कर दूंगी, तो यहाँ पर हमें वो बहुत ज्यादा चैलेंज मिलता है। तो हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और वो कई बार करना पड़ता है, मतलब 1 से लेके 4 से 5 बार की काउंसलिंग होती है, तब जाके जो है वो तैयार होती हैं, साथ में उनको फिर मतलब हॉस्पिटल तक उनको साथ में लेकर जाना पड़ता है, फिर जो उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है उनको समझाना पड़ता है, तो ये कई चरणों में होता है और बिल्कुल, तो ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। दोबारा आपके पास लौटेंगे, मीता जी का जल्दी से रुख कर लेते हैं। मीता जी, चूंकि आप समाज में अलग अलग लोगों से मिलती हैं, अलग अलग लोगों के बीच पहुंचती हैं, अवेयर करती हैं, किस तरह के चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं और किस तरीके से उन्हें आप लोग दूर करते हैं? ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि जैसे ही बात गांठ की आती है तो ये लोग एकदम मुकर जाते हैं, क्योंकि मैं कैंसर रिसर्च एंड वेलफेयर सेंटर के साथ जुड़ी हूँ और हम लोग जब भी गए हैं तो हमेशा ये हुआ है कि गांठ है तो घर में जो भी बुजुर्ग महिला होती है वो हमेशा ये बोल देती है कि दूध कम पिलाए बच्चे को, या बच्चे दूध पी नहीं पाते थे इसलिए गांठ हो गई है, और कहीं ना कहीं आपस में उनके परिवार का भी की भी सहमति नहीं होती है। महिला खुद तो रेजिस्ट करती ही करती है, परिवार से भी सहमति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हम इसका अवेयरनेस करें तो हम लोगों ने कोशिश यही करी है कि उनको उनके गांव में जाके वहीं पे घर घर जाके उनसे बात करें। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हर घर में जाना और उनको अवेयर करना बजाय इसके कि सबको एक साथ बुला के, तो मतलब हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि जो भी घर में टीनेजर लड़की होती है वहाँ से लेकर मतलब उनके यहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट लेडी है उसको बुलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब टीनेजर से ज़्यादा जो बुजुर्ग महिला है उस घर की
उनको समझाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बुजुर्ग महिला कन्विंस हो जाती है तो फिर हम उस घर में जो बाकी महिलाएं हैं, चाहे वो बहू हो, बेटी हो, जो भी हो, उसको समझाना और उसको ये बताना कि गांठ सिर्फ गांठ नहीं है, जांच करवाना बहुत जरूरी है, तभी करवा पाएंगे। बिल्कुल सही पॉइंट बोला इन्होंने कि वो आगे ही नहीं आना चाहते और परिवार भी साथ नहीं देता है। मेल्स तो बाद में आते हैं, पहले फीमेल्स के साथ ही आपस में बहुत मुश्किल होता है उनको समझा के लाना। तो तो मेरे बिल्कुल ख्याल से यहाँ हमें पे बहुत जरूरी है महिलाएं कि जो जो इस सीनियर वक्त इस शो महिला को है। देख रही होंगी, अभी उनसे यही अपील करेंगे कि इस तरह के कभी लक्षण दिखाई दे तो शर्माए नहीं, बल्कि विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जरूर जाएं, दिखाएं, तो शायद समय रहते वो जो है ये बीमारी को दूर भी कर सकते हैं, बल्कि डरना और घबराना इसमें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से लक्षण बताया, किस तरीके से सावधानी रखनी है इन सभी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से।